नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। काटल गौड़ा में चल रहे श्रीमद् भागवत पुराण में भक्तों ने कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया। वासुदेव का कृष्ण को जन्म के बाद यमुना पार करवाकर नंद के घर पहुंचाने का नाट्य मंथन भी किया गया। इसका भागवत में उपस्थित भक्तों ने भरपूर आनंद उठाया। ये जानकारी देते हुए मडपा आचार्य अनिल शर्मा ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन कर रहे पंडित कृष्णकांत शांडिल्य ने सबसे पहले देवकी वासुदेव के समय हुई भविष्यवाणी का वृतांत भक्तों को सुनाया। इसमें कहा गया था कि देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाला आठवां पुत्र कंस की मौत का कारण बनेगा। इसके बाद कंस ने अपनी बहन देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया था और उनकी हर संतान को कंस जन्म लेने के बाद मार देता था, मगर जब आठवीं संतान भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया तो किस प्रकार श्री कृष्ण भगवान को नंद के घर पहुंचाया गया, नंद के घर में जन्मी कन्या को किस प्रकार उस कारागार तक लाया गया और कंस ने जैसे ही उस कन्या को मारना चाहा तो कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश की ओर चली गई। इस कथा के पूर्ण होने पर भागवत पुराण के पंडाल में श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया और पूरा पंडाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गीत से गूंज उठा। इसके बाद सभी को मक्खन मिश्री का प्रसाद वितरित किया गया। राजगढ़ से हमारे संवाददाता जीडी शर्मा की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।